जल्दी निकल जाना, स्टेमिना टिकना नहीं, प्री मैच इजैकुलेशन, पीई, ये बहुत ही आम प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मतलब मेरे पास में जो भी पेशेंट आते हैं सेक्स प्रॉब्लम्स को लेकर, तो 10 में से 9 लोगों को, मतलब 90% लोगों को प्री मैच इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है। और आम आबादी में, जनरल पॉपुलेशन में, यह प्रॉब्लम 100 में से 50 से 60 लोगों को है, मगर लोग बोलते नहीं है, शर्म आती है, इलाज लेते नहीं है, खुद असंतुष्ट रहते हैं और उनके पत्नी को भी असंतुष्ट रखते हैं। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो देख के लोग बिना दवाई का इलाज कर सकेंगे और अपना वैवाहिक जीवन खुशी से जी सकेंगे। तो आइए देखते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का मतलब जल्दी निकल जाना या जल्दी डिस्चार्ज होना, अर्ली डिस्चार्ज होना, यह 90% प्रॉब्लम जो है साइकोलॉजिकल है, ज्यादातर बहुत ही मतलब बहुत रेयर है कि कोई शारीरिक बीमारी और करके हो रहा है 90%। तो फिर जब साइकोलॉजिकल है तो उसका इलाज भी साइकोलॉजिकल होना जरूरी है। उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि सेक्सुअल साइकिल क्या होती है। तो सेक्सुअल साइकिल में क्या होता है कि एक तो होता है एक्साइटमेंट, फिर दूसरा होता है प्लेट्यू, तीसरा होता है अराउजल, और चौथा होता है ऑर्गेजम, पांचवा होता है रिजोल्यूशन। अब ये जब आप देखेंगे अलग अलग, तो इसके बदले मैं 3 ही मेन बताऊंगा स्टेजेस अभी जो सेक्सुअल साइकिल की है, वो एक्साइटेशन, अराउजल और ऑर्गेजम। एक समझने के हिसाब से एक्साइटमेंट है, अराउजल है और ऑर्गेजम है। मतलब एक्साइटमेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, फिर पूरा बॉडी अराउज हो जाती है, इमोशंस पूरे तैयार हो जाते हैं, उसकी वजह से फिर इरेक्शन आता है और फिर डिस्चार्ज हो जाता है, ऑर्गेजम हो जाता है। तो ऐसे 3 कंडीशन में से आदमी जाता है, कोई भी पुरुष ये 3 कंडीशन से जाता है, एक्साइटमेंट, अराउजल एंड ऑर्गेजम। तो ये जो है एक्साइटमेंट, अराउजल एंड ऑर्गेजम, ये एक साइकिल है। अब ये बताइए कि ये साइकिल जो है, ये साइकिल यदि फास्ट चलाई, साइकिल फास्ट चला लिया, स्पीड बढ़ा दिया साइकिल की, मतलब एक्साइटमेंट भी जल्दी हो रहा, ऑर्गेजम भी जल्दी हो रहा, जल्दी डिस्चार्ज हो गया, फास्ट साइकिल चली गई, मज़ा भी नहीं आया तो डिस्चार्ज भी जल्दी होगा। मतलब जितना फास्ट साइकिल चलाएंगे, जितना जल्दी एक्साइटमेंट होगा, जितना जल्दी अराउजल होगा, जितना जल्दी ऑर्गेजम होकर डिस्चार्ज हो जाए। सेक्सुअल ये जो है और मतलब जो ऑर्गेजम है, डिस्चार्ज जो है, या जो सेक्सुअल साइकिल है, तो ये सेक्सुअल साइकिल को स्टार्ट कौन करता है? सेक्सुअल साइकिल को स्टार्ट करता है सेक्सुअल थ्रेशोल्ड। सेक्सुअल थ्रेशोल्ड का मतलब एक होता है कि भाई एक ऐसा स्टिम्युलस, एक स्टिम्युलस कि जो सेक्सुअल साइकिल को चालू कर देता है। ये सेक्सुअल थ्रेशोल्ड यदि कम है, मतलब उसका जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो सेक्सुअल थ्रेशोल्ड की कम है, तो साइकिल जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और सेक्सुअल थ्रेशोल्ड ज़्यादा है, लंबा है, मतलब बहुत इंटेंस नहीं है, लंबा चलने वाला है, कम नहीं है, तो ये जो है ये डिस्चार्ज जो है वो आराम से होगा। सेक्सुअल थ्रेशोल्ड कम है तो साइकिल जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सेक्सुअल थ्रेशोल्ड ज़्यादा है तो साइकिल आराम से चलेगा और आराम से डिस्चार्ज होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सेक्सुअल थ्रेशोल्ड जो है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, सेक्सुअल थ्रेशोल्ड को ज़्यादा करना पड़ेगा। फिर सेक्सुअल थ्रेशोल्ड कम क्यों होता है? सेक्सुअल थ्रेशोल्ड कम होता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। हमारे दिमाग में जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके वजह से सेक्सुअल थ्रेशोल्ड कम हो जाता है। मतलब जल्दी एक्साइटमेंट आएगा, जल्दी अराउजल, जल्दी डिस्चार्ज। मतलब जितनी ज़्यादा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी, जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट मतलब सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का जितना ज़्यादा स्टिमुलेशन हो जाएगा, उतना ज़्यादा थ्रेशोल्ड कम हो जाएगा और उतना ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर सवाल ये आता है कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इतने एक्साइटमेंट में क्यों चले जाती है? तो वो चले जाती है एंग्जाइटी की वजह से, बहुत एंग्जाइटी है, और एंग्जाइटी मतलब घबराहट, चिंता, बेचैनी, ये है। अच्छा, फिर वो क्यों आती है एंग्जाइटी, चिंता, घबराहट, वो क्यों आती है? वो आती है कि निगेटिव थाट्स, पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब अतीत में कुछ तो भी हो गया, अतीत में कुछ तो भी गड़बड़ हो गई थी, अतीत में डरावना कुछ तो भी हो गया, और उससे वजह से एकदम निगेटिव थॉट आ गए, चिंता, घबराहट आ गई, उसके वजह से सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्साइटमेंट हो गया, उसके वजह से सेक्सुअल थ्रेशोल्ड कम हो गया, उसके वजह से सेक्सुअल थ्रेशोल्ड कम होने से सेक्सुअल साइकिल जो फास्ट निकल गई और जल्दी डिस्चार्ज हो गया। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि सेक्सुअल थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ाना, साइकिल आराम से चलाना, साइकिल आराम से चलनी चाहिए, मतलब आराम से स्टार्ट होंगे, आराम से ख़त्म हो जाएंगे। और सेक्सुअल थ्रेशोल्ड यदि ज़्यादा करना है, बढ़ाने का है, तो वो बढ़ेगा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन की वजह से। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट कब होंगी? PNS। तो PNS जो है वो कम कब होगी? एंग्जाइटी कम है तो, एंग्जाइटी, चिंता, घबराहट कम। चिंता घबराहट कम कब होंगे? कि भाई जो आपके थॉट पैटर्न बन गए उसको आप सही करोगे तो थॉट्स आ जाते हैं, थॉट्स अबाउट पास्ट एक्सपीरियंस, थॉट्स अबाउट कैसा होगा, क्या होगा, चिंता, घबराहट, बेचैनी, ये जो है ये यदि कम हो गया, शांत हो गया है, तो
तो फिर नेचुरली पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्साइटेड होंगी और आराम से सब चलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव थॉट्स लाने पड़ेंगे। पॉजिटिव थॉट्स लाएंगे तो पॉजिटिव जो न्यूरोनल पैटर्न है वो लाना पड़ेगा। तो निगेटिव न्यूरोनल पैटर्न के बदले पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न जब हम लाएंगे तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्साइटमेंट होगा और उससे फिर सब बराबर साइकिल चलेगी। तो उसका इलाज है हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी से आप विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और वो गाइडेड हिप्नोथेरेपी आप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी एंग्जाइटी, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में जो नेगेटिव पैटर्न है वो थॉट्स, ये सब कम हो के आपका सेक्सुअल पैटर्न जो है वो सेक्सुअल साइकिल जो है वो साइकिल सेक्सुअल आराम से चलेगा। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड है वो बढ़ेगा। थ्रेशोल्ड बढ़ गया तो साइकिल आराम से चलेगा और आपका प्री मैचुअल इजैकुलेशन का कार्यक्रम ठीक हो जाएगा। तो सब करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, हिप्नोथेरेपी की जरूरत है। हिप्नोथेरेपी हम सिखाते हैं, अलग अलग कोर्सेस हमारे होते हैं जिसके वजह से आप बिना कुछ दवाई आपका जो एक्साइटमेंट का जो पैटर्न बन चुका है उसको आप काम डाउन कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं हिप्नोथेरेपी की वजह से। और वो रिलैक्स हो गया तो साइकिल जो है वो फास्ट नहीं चलेगी, आराम से चलेगी। और साइकिल आराम से चलती है तो नेचुरली आराम से डिस्चार्ज होगा, आप ज़्यादा समय तक टिक पाओगे, आप खुश रहोगे, आपकी पार्टनर खुश रहेंगी, झंझट झगड़े कम हो जाएंगे और आपका वैवाहिक जीवन बहुत खुशी से आप बिता पाओगे। वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।